देवभूमि प्रणाम। मैं अंजना ठाकुर हाजिर हूं ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। यूपी के बाहर ट्रांसफर हुआ उन्नाव रेप केस। श्रावण अष्टमी मेलों की शुरुआत। श्रद्धालु पहुंचे मां के द्वार। धोनी ने शुरू की इंडियन आर्मी की ड्यूटी। आगाज करेंगे श्रीनगर से। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, 200 यूनिट तक बिजली मिलेगी मुफ्त। आजम खां विवाद पर प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। यूपी के बाहर ट्रांसफर हुआ उन्नाव रेप केस। सुप्रीम कोर्ट में आज उन्नाव रेप केस की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यूपी के बाहर इस केस की सुनवाई ट्रांसफर की जाएगी। श्रावण अष्टमी के मेलों की शुरुआत। श्रद्धालु पहुंचे मां के द्वार। हिमाचल को देवताओं की भूमि कहा गया है। श्रावण मास के अष्टमी मेलों का आगाज सुबह की आरती के साथ शुरू हो चुका है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये मेले 9 अगस्त तक चलेंगे। धोनी ने शुरू की इंडियन आर्मी की ड्यूटी। आगाज करेंगे श्रीनगर से। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 106 TA बटालियन के साथ रहेंगे। ये पहला मौका है लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी दक्षिण कश्मीर में विक्टर फोर्स के साथ जुड़ेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, 200 यूनिट तक बिजली मिलेगी मुफ्त। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान किया। आजम खां विवाद पर प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को रामपुर आने से रोका गया। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के जौहर यूनिवर्सिटी पर छापे मारे गए और विधायक अब्दुल्ला आजम खां से पूछताछ की। नाराजगी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए जुटने लगे हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देवभूमि प्रणाम।